देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। पीथमपुर में सर्व ब्राह्मण समाज का महाअधिवेशन पीथमपुर इंदोरामा श्री राम मंदिर के सामने विशाल मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विष्णु राजौरिया, प्रदेश टुडे समूह के श्री हृदेश दीक्षित, परशुराम सेना के प्रदेश संरक्षक श्री अनूप बाजपेयी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोलू अग्निहोत्री थे। इस अवसर पर कैलाश दत्त पांडे, विष्णु जी शुक्ला, डॉक्टर रीता उपमन्यु, डॉक्टर प्रज्ञा चतुर्वेदी, आलोक पांडे, शरद पांडे, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री नर्मदा शंकर भार्गव, श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी, श्री देवेंद्र शास्त्री सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के ब्राह्मण समाज के अध्यक्षगण भी अतिथि के रूप में मौजूद थे। सर्व ब्राह्मण समाज के इस विशाल सम्मेलन में आसपास क्षेत्र के हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज सह परिवार उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत ब्राह्मण पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंखनाद के साथ हुई। आयोजन समिति परशुराम सेना के प्रमुख प्रदीप द्विवेदी, अनिल द्विवेदी ने बताया कि आयोजन में हजारों स्वजातीय बंधुओं का स्नेह भोज भी हुआ। कार्यक्रम का संचालन सेना के प्रदेश प्रवक्ता पंडित दीपक शुक्ला व रामानुज पांडे ने किया एवं आभार प्रदर्शन पीथमपुर अध्यक्ष पंडित अनिल द्विवेदी व रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप शुक्ला द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी में मनोनीत किए गए पदाधिकारियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर परशुराम सेना के प्रदेश संगठन एवं इंदौर महानगर के सर्वश्री अनिल तिवारी, दीपक शर्मा, प्रेम बागोरा, गौतम तिवारी, विजेंद्र दीक्षित, मोनिश जोशी, सुभाष दुबे, रितेश शर्मा, मुरली जोशी आदि पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं भागवत ग्रंथ भागवताचार्य श्री लोकेशानंद जी के कर कमलों द्वारा भेंट किए गए। आयोजन में ब्राह्मण हित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई एवं परशुराम सेना के माध्यम से प्रदेश ब्राह्मण समाज को संगठित करने हेतु अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। आयोजन के सफल संचालन में पीथमपुर संगठन के पदाधिकारी कमलेन्द्र त्रिपाठी, सुदीप मिश्रा, राम कुमार मिश्र, पलकेश तिवारी, केसी शर्मा, मोनू दीक्षित, अमित त्रिवेदी, पीयूष मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे, विकास शर्मा, देवेंद्र उपाध्याय, कविता द्विवेदी, शुभनिता, संजय तिवारी, मुद्रिका मिश्रा, दीपक मिश्रा, रमेश तिवारी, पंडित रामचंद्र तिवारी, अंकित त्रिपाठी, मनीष चौबे, पवन दुबे, श्याम सुंदर द्विवेदी, आलोक पांडे, दीपक मिश्रा, अंशुल दुबे, नीलेश पांडे, अशोक शुक्ला, राजेंद्र ओझा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ गुरुदेव बताइए, आज क्या कार्यक्रम इंदोरामा में? आज ब्राह्मण समाज का एकत्रीकरण किया गया। इसमें परशुराम सेना के हमारे प्रदेश के कई जिलों से लोग आए हुए थे। इसमें प्रमुख रूप से हमारे जो परशुराम सेना के हैं, दीपक जी शुक्ला जी है, यहाँ के प्रवक्ता हैं। उनके बाद अनूप जी शुक्ला जी थे, लेकिन वो बीमार होने वाले नहीं आ सके। इसमें प्रमुख रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गोलू अग्निहोत्री, हृदेश दीक्षित जी और परशुराम बोर्ड के अध्यक्ष रजौरिया जी हमारे बीच में पधारे थे। इसके अलावा महू कैंटोनमेंट बोर्ड के कैलादत्त पांडे और महू धारणा का से आलोक जी पांडे, परशुराम सेना के अध्यक्ष, और यहाँ पर आज हमारी कई नियुक्ति की गई। यहाँ पर हमारे जो अनिल दुबे भी है, इनको परशुराम सेना का प्रदेश सचिव बनाया गया है। और यहाँ पर पीतमपुर के परशुराम सेना के अध्यक्ष पद्म मिश्रा सहित बड़ी कार्यकारिणी घोषित की गई है। ये कार्यक्रम रखने का क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य है हमारे तो ब्राह्मणों में जागृति होना है कि ब्राह्मण हमारे कैसे इकट्ठे हों, इसका प्रयास किया गया है और काफी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। पहले भी हम लोग कार्य थे, आज हमारा बड़ा आयोजन था और सभी लोग अपनी इच्छा से आए हैं। सोशल मीडिया पे प्रचार होने की वजह से सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। आसपास के पुजारी जितने मंदिरों के, उन्होंने भी हमको सहयोग दिया है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।